हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल तो अभी नाश्ता कर लिया है और अभी मैं आ गया बाहर गणेश जी के पास में। अभी पूजा वगैरह तो कर ली है, मैं उठा ही नहीं था उस समय क्योंकि रात को 2 बजे तो सोया था मैं, 12 बजे तो आ गया था मैं घर पे। और उसके बाद मेरे इतने खतरनाक से पैर दुख रहे थे तो 2 बजे तक नींद ही नहीं आई। फिर मैंने दवाई ली और उसके बाद सोया, तब थोड़ी सी नींद आई। फिर उसके बाद मैं सोचा अब सो जाओ, फिर अभी उठा मैं 10 बजे, और 9 बजे तो इन्होंने पूजा भी कर ली थी। मैं सोच रहा था आज सुबह की पूजा में शामिल होने की, लेकिन हो ही नहीं पाया। और आज भी सुबह से बारिश आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं है भाई बारिश का। तो अभी भी मतलब आ रही है, देखो पूरे में गीला ही गीला हो रहा है। और बस ये गणेश जी पे पानी नहीं आ रहा, और बाकी यहाँ पे 2 जगह आ रहा है, एक तो यहाँ पे इस तरफ थाली पे और एक इस तरफ थाली, मतलब इधर कुछ ही नहीं रखा है। 2 जगह पानी आ रहा है, उसमें से पाइप में से, जो ऊपर पाइप लगा हुआ है ना ये रहा, उस पर नीचे अंदर बाल्टी भी रख रखी है ताकि बाल्टी में जाए सारा पानी। बाकी मस्त लग रहा है यार गणेश जी। हमारा प्लान था उधर रखने का, मतलब इधर ही अम्मा के इधर अंदर रखने का, ये जो पेड़ हुआ हुआ ना वहाँ पे रखने का प्लान था। लेकिन उसके बाद प्लान चेंज हुआ और यहाँ पे रखा, मतलब पहले तो यहीं रखने का था लेकिन बारिश की वजह से हम वहाँ रख रहे थे। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, अब इधर रखने का मन है तो इधर ही रखेंगे। फिर वाटरप्रूफ टेंट वगैरह कुछ सारे सब कुछ लगवाया और उसके बाद रखे यहाँ पे गणेश जी। और अभी तक तो रखे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, और कुछ प्रॉब्लम भी होगी तो बाकी सब है यहाँ पे तो कर लेंगे एडजस्ट जैसे भी होगा। बस गणेश जी भीगने नहीं चाहिए, नहीं तो पता पड़े कि विसर्जन यही हो जाए। और मैंने ये यूट्यूब पे आज की वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि फोकस करूँ अपने काउंटर पे, क्योंकि यार वही है अब जो है। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली है, अभी तक इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली है कि बस, मतलब काफ़ी जनों को लगता है कि यार मेहनत तो कुछ नहीं होती है यूट्यूब में, लेकिन एडिटिंग में और वीडियो बनाने में भी, मतलब वीडियो बनाने में भी अपने स्किल होने चाहिए। हर कोई बोल नहीं सकता कैमरे के सामने, कोई तो फोटो खिंचवाने में भी शर्माता है, लेकिन मैं तो वीडियो बनाता हूँ भाई, वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है, प्लस वीडियो एडिट करने में भी मेहनत लगती है और अपलोड करने में भी मेहनत लगती है। मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है कॉपीराइट की, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है जो कि यार मेहनत तो लगती है कुल मिला के। मतलब कि अभी वीडियो बनाना मैं ना कम कर दूंगा, जैसे कहीं घूमने जाएंगे ना तभी वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि यार घर की वीडियो मैं बना नहीं सकता क्योंकि 12 बजे तक तो मेरे को काउंटर खोलना है। सॉरी, 12 बजे तो मैं भैया के घर पे जाऊंगा और सारी तैयारियां करने के बाद 2 बजे तो काउंटर खोलना है मेरे को, तो 2 बजे तक ही क्या ही वीडियो बनाऊंगा मैं, मतलब मज़ा भी नहीं आएगा उस वीडियो में कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें भी नहीं दिखा पाऊंगा और कैसे क्या चीज़ होती है वो भी नहीं दिखा पाऊंगा। क्योंकि जल्दी जल्दी मैं कल भी, मेरे को लग रहा था कि यार लेट हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हाँ सही समय पर लग गया था हमारा काउंटर। और भी काफ़ी सारी ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो कि मैं नहीं दिखा पाता हूँ वीडियो में, तो फिर मज़ा नहीं आएगा वीडियो बनाने में। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब कहीं घूमने जाएंगे ना तभी वीडियो बनाऊंगा। और वैसे भी यार इतनी मेहनत करने के बाद भी, मतलब लोग ये होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 वीडियो डालने के बाद अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देते हैं अगर ग्रो नहीं हो रहा है तो वो। और मैंने अभी तक 150+ से भी ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ लेकिन फिर भी ग्रो नहीं हो रहा, तो यार वो मेरी गलती नहीं है। अब वो देखो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरे को भी नहीं पता और आप भी कमेंट करके नहीं बताते हो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जब तक आप लोग कमेंट करके नहीं बताओगे कि किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए, उस टाइप की मैं बना नहीं पा रहा हूँ, या फिर मेरी ऑडियंस कैसी है, मतलब किस तरह की, किस कैटेगरी की वीडियो देखना चाहती है, बस वो भी मेरे को नहीं पता अभी तक। आप कमेंट करके बताते नहीं हो इसीलिए अब मेरे को भी कैसे पता चलेगी, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ कि बस पता चल गई कि हाँ इस कैटेगरी की वीडियो बनानी चाहिए। अब जैसे मैंने शुरू से व्लॉग स्टार्ट किया था कि व्लॉगिंग ही करता था मैं शुरू से, वैसे पहली वीडियो मेरी फूड की थी, मैं मोमोज खाने गया था उसकी वीडियो बनाई थी मैंने। लेकिन फिर उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था इसी चैनल पे, वैसे व्लॉग के नाम से ही मैंने शुरू से चैनल बनाया था ये। और पहले भी मेरा एक फूड का चैनल था लेकिन वो पता नहीं किसी तरह से हैक हो गया, वो अच्छा खासा ग्रो हो गया था, लेकिन बस उससे मैं मेरा अपना मतलब कि चैनल का प्रमोशन नहीं कर पाया इस वाले का, लेकिन उस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी थे, सब कुछ था उस पर। तो अगर उस वाले चैनल से मेरे इस चैनल की प्रमोशन करते तो शायद हो जाता मेरा काम, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं ऐसा सीन। अभी तक भी 500 सब्सक्राइबर में भी काफ़ी कम बाकी है, मतलब अभी भी बाकी है, 500 सब्सक्राइबर में भी सब्सक्राइबर बाकी है, मतलब 500 कंप्लीट होने में भी कुछ सब्सक्राइबर बाकी है। वैसे मेरा टास्क था कि मैंने शिवरात्रि से बनाना स्टार्ट करी थी मैंने वीडियो, मैं 365 डेज का टास्क किया था मैंने कि यार 365 डेज का मतलब 1 साल तक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं बना ही नहीं पाया। मतलब अभी तक तो कंटिन्यू कर रहा हूँ लेकिन अब नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यार मैं फास्ट फूड का काउंटर भी खोलता हूँ, वो वहाँ पे फोकस करना मेरे को ज़्यादा, इसीलिए तो बस वही है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उस वजह से बस वही सीन हो रहा है मेरे साथ भी। तो अब काउंटर खोल लिया ही है तो अब उसी के ऊपर फोकस करूँगा मैं, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा। बस सीधी सी बात, कहीं घूमने जाऊँगा ना तो कहीं जाऊँगा तभी वीडियो बनाऊँगा, वैसे डेली व्लॉग वाली वीडियो नहीं बनाऊँगा आज से, मतलब कि ये वाली वीडियो बस कल आएगी और उसके बाद से वीडियो आना बंद हो जाएगी।
अभी यहाँ पे चल रही तैयारी, यहाँ पे चाउमीन उबल रही है, यहाँ पास्ता उबल रहा है, और यहाँ पे कोफ्ते बनाने की तैयारी, और भाभी जी बना रही है मोमोज का मसाला। यहाँ पे मोमोज भी बन गए और वड़ा पाव के कोफ्ते भी बन गए। अभी सारी तैयारी करके काउंटर तो स्टार्ट कर दिया है। काउंटर स्टार्ट करने का टाइम है 3 बजे का, तो पूरा काउंटर जमा दिया मैंने अच्छे से आके। और अभी 5 बज चुके हैं और मैं अभी सही समय पे वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी काउंटर के काम में लग रहा हूँ अभी पूरा। मतलब टाइम ही नहीं मिलता, 1% भी टाइम नहीं मिलता काउंटर के काम से, मतलब टाइम ही नहीं मिलता फिर उसके बाद। इसीलिए मैं आज सुबह ही बोल रहा था कि वीडियो अब से मैं नहीं बनाऊंगा, कहीं घूमने जाएंगे तभी वीडियो बनाऊंगा। और बाहर तो इतनी तेज़ बारिश आ रही जिसकी कोई हद नहीं, बाहर इतना इतना पानी भर गया मस्त पूरे डिवाइडर जितना, मतलब डिवाइडर से थोड़ा ही कम है बस, बाकी आधे से ज़्यादा डिवाइडर डूब गया अंदर। काफ़ी खतरनाक पानी भरा हुआ है भाई, बहुत तेज़ बारिश आ रही है, बहुत तेज़। ओ भाई क्या खतरनाक बारिश आ रही है, गाड़ियाँ तो ऐसे जा रही है मस्त एकदम पानी में भीग भीग के अंदर तक। अभी देखते हैं अब कब तक बंद होगी बारिश। मैंने तो तिरपाल डाल रखा है इसके पीछे तो, ताकि सारा सामान भीगे नहीं, तिरपाल एकदम बढ़िया से डाल दिया ताकि सारा सामान भीगे नहीं, यार भीग जाएगा तो फिर काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा, इसीलिए तिरपाल डाल दिया। जैसे धीरे आ रही थी बारिश उस समय डाल दिया था हमने तिरपाल, फिर उसकी वजह से बच गया अभी काफ़ी सारा सामान। ये आई एक और गाड़ी, ये धीरे है वरना तेज आएगी कोई गाड़ी, जब आएगा पानी भयंकर उछलेगा। एक बार काउंटर के बाहर से देखो कितना ज़्यादा पानी भर गया, ये बाइक वाले क्या मज़े ले रहा है। वो वहाँ से डिवाइडर पार करके उस तरफ जा रहा है पानी, कितना ज़्यादा भर गया है डिवाइडर, देखो अब आधे से ज़्यादा भी डूब गया, मतलब डूबने वाला है बस थोड़ा सा बाकी है, लेकिन अभी बारिश ही बंद हो गई। कितना ज़्यादा पानी भर रहा है यार, इतनी तेज़ बारिश आई थी अभी तो दी, थोड़ी थोड़ी बाकी है अभी बारिश, मतलब आ रही है धीरे धीरे बारिश आ रही है बस। और मैं तो काउंटर के बाहर आ गया अभी, बारिश तो बंद हो गई ले फटाफट रैपिंग पन्नी ला, अब पन्नी लगा देंगे इसके अंदर ताकि अंदर नहीं आएगा पानी। अभी लगा दी इसमें ये वाली रैपिंग, जो पन्नी आती है ना ये वाली लगा दी, सारी तरफ लगा दी, अब मस्त हो गया, पानी नहीं आएगा अंदर की साइड, थोड़ा और ऊपर लगाएंगे तो पूरा ठेला ही ढक जाएगा। और मौसम क्या मस्त हो रहा है यार आज, ये एकदम बादल क्या जोरदार लग रहा है, हर जगह ऐसे ऐसे बादल हो रहे हैं, वापस से मौसम बन गया, अभी खुल गया था धूप आ गई थी, वापस से मौसम बन गया, 5 मिनट में बिगड़ रहा है 5 मिनट में सही हो रहा है मौसम। तो फिलहाल तो अभी घर पे आ गया हूँ, और आज भी रात के 12 बजने वाले हैं, और रात को 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि फ्री अभी अभी हुआ हूँ काउंटर पे से। और आज बारिश ने तो भाई कुछ ज़्यादा ही अति कर दी, मतलब बारिश अभी तक आई जा रही है, मतलब अभी देखो पूरा रोड वोड सब भीगा हुआ है, अभी अंधेरे से दिख नहीं रहा कुछ भी। मैं भी ये टॉर्च चला के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इससे पता नहीं इस वाले फ़ोन में क्या है कि टॉर्च से दिखती नहीं है, मतलब टॉर्च से ही दिखता है चेहरा, वैसे दिखता ही नहीं है, ऐसे अभी दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और आज तो भाई बारिश ने कुछ ज़्यादा ही अति कर दी, मतलब आती जा रही है धीरे, मतलब कभी रुकती है फिर वापस से आ जाती है, फिर रुकती है फिर वापस से आ जाती है, आज तो कुछ ज़्यादा ही बारिश आ गई। और अभी अभी फ्री हुआ हूँ मैं काउंटर पे से, तो आज की वीडियो भी नहीं डाल पाया मैं, क्योंकि यार आज पूरे दिन काम से मतलब टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मैं आज की भी वीडियो नहीं डाल पाया। मैं सोच रहा हूँ कल सुबह डाल दूंगा 8 बजे। और अब से तो मैं वैसे भी वीडियो बनाना बंद कर रहा हूँ, मतलब कि बंद तो नहीं, हाँ कहीं घूमने जाएंगे तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा मैं, और कोई मतलब होगा कि हाँ इस चीज़ की वीडियो बनानी चाहिए तो उस पर भी बनाऊँगा मैं वीडियो। कभी कभी वीडियो आएगी और कभी कभी नहीं आएगी, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन भी हो सकता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन बनाऊँ मैं वीडियो, और हो सकता है कल छोड़ के परसों मैं वीडियो बना लूँ एक और, क्योंकि परसों है मेरा बर्थडे 14 सितंबर को, तो देखते हैं जैसा भी होता है, अगर लगेगा मेरे को कि हाँ अच्छे बर्थडे बन रहा है मेरा तो बनाऊंगा मैं वीडियो, वरना तो वैसे ही अगर काम काम में पूरा दिन निकल जाएगा तो शायद ही बनाऊंगा। तो देखते हैं 14 तारीख का क्या सीन रहता है। फिलहाल तो इस वीडियो को भी यही एंड करते हैं, अब घर में जाऊंगा खाना वाना खाऊंगा और उसके बाद सो जाऊंगा, तो यही एंड करते हैं मतलब इस वीडियो को। आई होप आपको आज की वीडियो में भी मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।